इंस्पायर्ड आई एम एन एंकर लेकिन आप जैसे मिशन स्पॉट के जाएंगे लोकेश है इतने सारे दिग्गज सितारे हैं ऑफ कोर्स तो हाउ डू यू फील अबाउट इट कि इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इट्स योर इनिशिएटिव ऑफ कोर्स और जब कोई ऐसा इनिशिएटिव आता है इतने सारे लोग सपोर्ट करें तो हाउ डू यू फील अबाउट इट मैं इसके लिए सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ मेरा जो दोस्त है मिस्टर नशीब मेरे को रियली बताए नहीं थे कल रात को उन्होंने 12 बजे मेरे को मैसेज किए कि ये दिग्गज हस्ती सब आ रहे हैं एंड रियली मैं बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलूँगा थैंक यू सो मच मिस्टर नशीब मेरा दोस्त मेरे यार एंड रियली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुनील जी के साथ 6-7 साल के पहले मैं पिक्चर जब भी चल रहा था मैं 2 बार सेट पे आया था एंड आज मेरे इवेंट में आ रहे हैं मैं इतना खुश हूँ थैंक यू सो मच सुनील सर एंड दोनों इतने भी बड़े बड़े हस्ती हैं जो आर्टिस्ट हैं एंड रियली मेरे बहुत मतलब मैंने जितना सोचा था उससे बहुत मतलब रिजल्ट मिला मैडम भी मिश्री मैडम आए वो मैडम जाए तो मेरे फ्लाइकिंग एकेडमी के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है एंड जो तो टेक्नीशियन तो सपोर्ट है एंड जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट उनको सपोर्ट कर रहे तो इसके लिए इसी इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है also ye jo naam hai flyking academy what was the thought process behind this because what unique name hai of course to ye naam kaise chahiye naam rakhne ka ye jo flyking naam hai main inke liye isliye dunga mr hari badal मैंने 10 साल के पहले ये कंपनी मेरा हुआ था मेरा एक दूसरा कंपनी का नाम है जो लाइव प्रोड्यूसिंग करता है फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट तो ये उनके बदौलत है एक दिन स्टार न्यूज का एक मैं जो आज लाइव प्रोड्यूसर नहीं था मेरा कंपनी नहीं था तो वहाँ से मेरे को बुलावा आया था एंड वहाँ से इमिडिएटली जब भी मेरे को वहाँ पे चैनल ने बुलाया क्योंकि चैनल से पैसा आता है बोले तेरे को कल 25 लाख देना है एक प्रोजेक्ट के लिए तो किस नाम में देना है मेरे को पता नहीं मेरा अकाउंट भी नहीं था एंड मैं एक दिन झूठ बोल रहा था एंड उस दिन मेरे मन से क्यों निकल गया था पता नहीं फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट बोल दिया बोले क्या कंपनी का नाम है ना फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट 25 लाख आएगा ना मेरा छोड़ना नहीं चाहिए कुछ तो कंपनी बोल रहा है बाद में सीए देखा जाएगा ओके मिस्टी आपसे जानना चाहूंगा आप यहाँ एज ए गेस्ट मौजूद हैं जीपीएस मौजूद हैं वी हैव सो मेनी इंस्टीट्यूट इन मुंबई इन इंडिया यू नो वेदर इट इज एक्टर प्रिपेयर और विस्ली बोर्ड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेकिन हम कहीं पे भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप काम करिए आप सीखिए और जॉब हम आपको दिलवाएंगे ये कितना यूनिक पॉइंट मानती हैं आप फ्लाइकिंग का ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक पॉइंट है हमारे देश की जो सबसे बड़ी यू नो कमजोर पॉइंट है मुझसे दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट तो एक तरह से जो फ्लाइकिंग के जरिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है उसके लिए आई थिंक इट्स आई एम वेरी प्राउड टू सिट हियर टुडे बिकॉज ऑब्वियसली एक तरह से क्योंकि मेरी अभी फिल्म आई है मणिकर्णिका का जो देश की सेवा के बारे में है तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना भी देश के लिए एक सेवा जैसा ही होता है जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको बहुत ही मदद मिलेगी मेरे ख्याल से सो इट्स अ वेरी वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी और हमेशा से ऐसे ही होने चाहिए पहले तो मिस्टर उदयशंकर पानी है वो अभी पूरा हम लोग अच्छा से सिलेबस पढ़ा दिए हैं एंड मिस्टर रवि अग्रवाल जो इतना आप उनके बारे में शायद अभी थोड़े कम लोग को इनको पता है अभी उनका एक फिल्म आ रहा है रॉ के डायरेक्टर है जो जॉन इब्राहिम कल उनका म्यूजिक लॉन्च भी हुआ तो मैं एडवर्टाइज में जब भी आया मेरे आँख मतलब मेरे जो आँख को खोलने का जो हाथ है तो उनके ही वजह से मैं आज एडवर्टाइज वर्ल्ड को देख पाया तो आज जो 700-800 एडवर्टाइज किया रवि ग्रोवर तो उनकी वजह से मतलब मैं आज ये पोजिशन में हूँ एंड उन्होंने मेरे को एवरी जगह में उनको सपोर्ट किए मतलब जो भी आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किए तो वो है एंड दूसरा इंडस्ट्री के जितने बड़े बड़े डीओपी होते हैं एंड मिस्टर पुनीत सिरा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं आप ही जानते हैं जो आई प्राउड भी इंडियन किसान उन्होंने उनके भी डायरेक्टर हैं वो भी बहुत सारे मतलब वो भी आए गए एंड प्लस जो मेन बेसिक मेन फैकल्टी जो है 5 लोग हैं एंड कम से कम 50 ऐसे दिग्गज हैं जो एडवर्टाइज एंड फिल्म इंडस्ट्री के डीओपी हो अपना आर्ट डायरेक्टर हो प्रोडक्शन डिजाइनर हो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हो सब लोग आएंगे
तो जब भी जिसको बुलाऊंगा तो सब आएंगे एंड हर महीने ये उनको बुलाते रहेंगे एंड अच्छा अच्छा जब भी स्टार टेक्नीशियन के साथ काम करेंगे तो उन लोगों को और हौसला पड़ेगा एंड मिस्टर विजय सर भी इधर हैं, उन्होंने भी पूरा सारे सपोर्ट मेरे को बोले तुम कर, मैं कभी भी मेरे को बुलाएगा काम में। तो ऐसे ऐसे से बड़े बड़े जब भी डायरेक्टर आएंगे तो सोचिए जितने न्यू कमरों का फ्यूचर कैसे बनेगा। ओके विजय जी, रियली गुड टू सी यू सर, इट्स हार्डली वी कैन सी यू इन फ्रंट ऑफ मीडिया। द गली बॉय रिलीज रियली डूइंग गुड, वेयर यू सेज कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही रहेगा, गुड टू सी यू हियर। आप क्या सोचते हैं इस तरह से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं दिलीप, यू आर अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ दिलीप आई नो, ये कितनी सही शुरुआत है? रिपीटिंग माई क्वेश्चन, यू नो कि कहीं पे भी आप चले जाइए, आप आइए इतना लाख रुपए भरिए और आप कोर्स करिए, लेकिन आप इसके बाद क्या करेंगे वो आपकी जद्दोजहद है। Do you think it's a good start where people start getting jobs? Because once you are done with the course, they'll please you something. It is a good start because see, कहीं ना कहीं शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एक्टर हूँ, राइटर हूँ, मैंने मैंने डायलॉग्स लिखे हुए हैं और उसमें रोल भी किया, एड फिल्म मेकर हूँ, एड्स फिल्म बनाता हूँ मैं, तो हर नजरिए से प्रोडक्शन को देखा है मैंने और मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैंडलिंग मनी, इट्स अबाउट हॉस्पिटैलिटी, लोगों को खुश रखना, और हमको लगता है कि खाना ऑर्डर कर दिया शूट में हो गया सब कुछ, या एक जो वर्ड है ना कि जुगाड़, जो मतलब किसी से कुछ पूछो कि फॉर एग्जांपल कि ताजमहल को पेंट कर सकते हैं और जैसे ही को प्रोडक्शन वाले बोलते हैं हाँ हो जाएगी, मतलब वो झूठ बोल रहा है। सो मैंने दिलीप को जब भी पूछा है कि ऐसा कुछ उल्टा सवाल पूछा है, मुझे जवाब नहीं दिया है, मतलब सच में सोचते हैं अपने काम को। उन्होंने कहा अब मैं सोच के बताता हूँ, उतना टाइम लेते हैं, मतलब खरे प्रोडक्शन वाले। सो उन्होंने जो शुरुआत की है, जैसे सर ने भी कहा कि प्रोडक्शन से बड़ा क्रिएटिव मीडियम कुछ नहीं है, इस बात को समझना और समझाना कि प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस तो सेट पे मिल जाएगा, शूटिंग में जो देख के हो जाएगा कि गाड़ियों का कैसे आती हैं, एक्टर्स को कैसे बुलाया जाता है, अगर सिनेमेटोग्राफर सेट पे आ चुका है बट लेंस का जो ट्रक है वो कहीं अगर उसका टायर पंक्चर हो गया तो वो प्रैक्टिकल चीज वो दिलीप साहू से बैठ के भूल ही जाता है। तो वो जुगाड़ बैकअप प्लान जो होता है, हम थ्योरी पढ़ते हैं बट जो प्रैक्टिकल चीज ऐसी हर दिन नई चीज सीखने को मिलती है। बिकॉज आप कितना भी प्री प्रोडक्शन कर लो, शूटिंग 9 बजे शुरू होती है और वो 6 बजे खत्म होनी है, उस दौरान आपका मीटर डाउन है और मीटर डाउन के वक्त आप रुक नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप टेंशन में होते हो। सो प्रोडक्शन एक बैकबोन है, मतलब प्रोडक्शन का फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो इतने एक्सपीरियंस हैं, ये एकेडमी का इंटेंशन बहुत करेक्ट है, उसकी वैल्यू समझेंगे अगर वो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें साथ में करते जाएंगे। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स निकलते हैं इंस्टीट्यूट से और उनको आइडिया नहीं होता कि जाए कहाँ पर, होता कि हाँ सीख तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन अब मैं पता नहीं, देखते हैं कहीं जुगाड़ लगेगा तो पहुंच जाऊंगा। बट यहाँ पे वो साथ में है, सपोर्ट दे रहे हैं वो कि कैसे उनको ट्रेन करेंगे लोग, तो ये कोई एक आई डोंट थिंक ये बलून है कि गैस हवा में उड़ रहा है, आई थिंक वो बहुत सीरियस है जॉब को लेकर। और फ्लाइकिंग फिल्म अकेडमी ऐसे स्टूडेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखेगी, ये मुझे बहुत दिल से लगता है। थैंक यू। ओके रॉबी सर, टू यू द क्वेश्चन इज टू यू, इट इज डिफिकल्ट टू यू नो, बड़ी मसरूफियत रहती है एंड बिफोर आई आस्क यू एवरीथिंग, बहुत-बहुत मुबारक रॉब को लेके, बहुत पॉजिटिव वाइब है, बीइंग अ जर्नी दिस इज व्हाट आई नो, एंटरटेनमेंट जर्नी सर से मतलब, गुड टू सी यू। और बड़ा मुश्किल होता है, आप जब मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ, एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ, हम लोग दोस्त होते हैं लेकिन साथ खड़े नहीं होते, एंड यू आर हियर टू सपोर्ट दिलीप, ऐसी क्या खास बात आपको लगती है दिलीप ने जो उन्हें बाकी लोगों से जुदा कर दिया? यू नो बहुत मुश्किल होता है वक्त निकाल के कहीं आना और इतना वक्त दे रहा। दिलीप के बारे में दो बातें बोलूँगा, करीबन 13 साल पहले एक लड़का मेरे ऑफिस में आया था, 12-13 साल पहले, पतला सा लड़का था, बड़ा मतलब सिंसियर लग रहा था मुझे, आया और उसने मुझे बोला कि मैं ये मैंने काम किया, एक बार काम किया है, मुझे एक्टिंग में काम करना है। तो जिस तरह वो एंटर किया था ना, तो लगा था कि यार कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं, फर्स्ट लुक में ऑनेस्टली मैंने सिर्फ करीबन 7 या 8 मिनट बताए, 10 मिनट बताए, और जो कमिटमेंट और इंटेग्रिटी 10 मिनट में दिखाई दी वो 13 साल के बाद बरकरार है।
उस पॉइंट से अगर आपको पानी पहुंचा है That's why he is here where he is. That's pretty much sum it up to what I feel about this. Puri, do you want to say something? I would say that as a filmmaker, I think the biggest responsibility anyone has is to make sure that your production goes smoothly. And that actually is the responsibility of the production. And it's shocking that after all these years of being in the film line and so many academies out there, that there hasn't been one specializing in this particular field. Because as Vijay just said, it is actually the backbone of our filmmaking. I mean, when you're on set, you want to roll camera at 9 o'clock, but your generator's not working, or somebody's had a flat tire, the artist hasn't arrived on time, everyone points at production and say, tuning work. And what it does is it compromises the shoot, it compromises the quality of the product, it goes over budget because you started late. So when everything goes smoothly, you always say, oh, what fantastic production. But when it goes bad, you always kick them in the butt. So the reason it's so vital to actually have an education in this field is because people learn from trial and error. You walk onto a set as a trainee, you start watching people and you learn. So you will make mistakes. At least this way you are now optimizing and assessed properly. I mean, as a filmmaker, if my shoot goes smoothly, I have great reasons. As a producer, as a director, the responsibility of a producer puts that solely on the shoulders of the director. So it's commendable. It really is. I don't know why nobody thought about it before, but we needed somebody like a Dilip to come up and say, you know what, this needs to be taught, and I'm going to teach it. Artists, you know, you are always in front of the camera, but this procedure is, you know, behind the camera. So, what is your perspective on all of this? From both of you. So I think I have been very lucky that way, that I have a vision of the production that goes on behind the scenes, because my best friend, my childhood friend, who has recently shifted to Mumbai and is also a producer, and Dilip sir actually reminds me of him, because when I, you know, that I see that passion for making, you know, I should not say this, but ज़्यादातर production में ऐसा होता है कि how much money you make. You know, that's mostly the motive, or our mindset bhi waisa hai. The production guy will be like money making thing, you know. But then, you know, I have seen people in production who are so passionate about filmmaking and they want to do their best for the film. So definitely coming here today, it's like, I also feel some kind of nostalgia, you know, thinking about the moment that I have seen my friend going through, you know, trying to make a good film, and you know, thoda sa bhi kuch kahin pe galat ho jata hai, as Sir just said, they kick the butt of the production people. So I think it's very good, it's a great concept ki agar production ka knowledge proper hoga, ये सब प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. इफ पीपल नो हाउ अ प्रोडक्शन इज डन, फिल्म का प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे बजट बचाया जाता है, सो देयर इज आल्सो वेरी लेस अपॉर्चुनिटी टू चीट, यू नो, सो दैट वे यू कैन सेव मनी, एंड विद दैट मनी यू कैन इन्वेस्ट ऑन द फिल्म एंड मेक इट अ बेटर एंड अ बिगर फिल्म. आई थिंक दैट वे. सो अगर बात प्रोडक्शन हाउस की आती है तो ऑफकोर्स वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जैसे कि आर्टिस्ट को तो सब कैमरे में देख लेते हैं कि एक्ट्रेस कौन है और हमारे एक्टर कौन है, लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस होता है, जो एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें कितनी मेहनत होती है वो प्रोडक्शन हाउस से ही पता चलता है. उसमें काफ़ी सारे क्रिएटिव टीम मेम्बर्स, जैसे कि लाइट कैमरा मैन हो गए और लाइट्समैन हो गए, कैमरामैन हो गए, और जो वेरिएशन देना होता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जैसे कि अभी मैंने कश्मीर में शूट किया था, तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो अभी मैंने उसको कंप्लीट किया, तो मैंने बहुत कुछ सीखा. एक आर्टिस्ट होने के नाते हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो किस तरह से, किस एंगल पर कौन सा लेंस लगाया जा रहा है, हमारा शॉट्स कहाँ से लिया जाएगा. तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं अपना ओपिनियन भी उनके साथ शेयर करती थी, तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. और जब मेरे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा लोकेश
आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, बहुत दिमाग चलता है। आई मीन लाइक आपको तो प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहिए। तो मैंने कहा लेट्स ही देखते हैं, अभी तो एक अच्छा एक्ट्रेस बन जाऊँ, अभी लो अभी ये काम आ जाएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। तो यस ऑफकोर्स प्रोडक्शन हाउस अगर अच्छा होता है तो एक प्रोडक्ट भी अच्छा बनता है। तो या All right, thank you so much each one of you, the esteemed guests and Dilip sir for such a lovely interaction. Media, I hope you got all your answers. So and now ladies and gentlemen, before we wind up this beautiful ceremony, this beautiful launch, I would like to with clap, with a round of applause, I would like to announce the name of the beautiful faculty of Flyking Academy. So here it is, here is the list, the Dean of the Academy, Uday Chakraborty, Dean and Director and Producer, Mr. Dilip Sahu, Producer and Light Producer, Ravi Prema, Director and Producer, Vijay Maurya, Director, Actor, Writer, then we have Satyajit Pandey, DOP, then we have Madhur Madhavan, Production Designer, Karan Singh, Makeup and Hairstylist. These are the people who make us look beautiful. Thank you so much. A face like me looks beautiful, all of you are there. Asiko Mehta, Producer, Shiva Aya, Director, Kunal Punjabi, Producer, Videsh Sejpal, Producer, Setu Desai, Producer, Tapan Kishore Basu, DOP, Monica Bhanushali, Costume Stylist, Neepa Shah, Costume Stylist, Avinash Nanda, Director, Producer, Rajinder Sharma, Production Designer, Subhash Sahu, Sound Engineer. So this is the team, a big round of applause for the entire visiting faculty of Lighting Academy, and of hope. Yes sir, you want to say a few words? मैं सॉरी बोलूँगा मिस्टर अविनाश नंदा सर जो डायरेक्टर है हमारे, मतलब इतना भीड़ भाड़ में तो उनके नाम खोलने में सॉरी बहुत सारी बोला, प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर अविनाश नंदा, मेरे बड़े भाई हैं एंड हर चीज में मेरे को सपोर्ट करते हैं। कैन वी हैव द बुक पेपर सर? यस सो सर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम अप हियर। So a big round of applause. So the director, producer, sir, because we've spoken to each one of them and they have given their views and opinions about this academy and the entire production that happens in the country and on films, on advertising. So I would like you to speak a few words about this academy, about your experience when it comes to production, about your experience when it comes to production. 37. Maybe I'll be wrong saying something like this, but I will say, definitely I'll say. For me, I think to be a director, I should first learn how the production is there, how the production is being controlled. Any of the directors who comes to a production guy says, what is the rate for the GBG? Can you say the rate for the Alexa? Then the production guy says, it's so much. Okay, we have to accept it. So this is the rate, and this is the rate for GBG, this is the rate for the makeup man. But right now, what I think I should say, someone who comes to the direction point, you should first learn the rates. You should first learn the location rates. So each of the services of aadmi ko sikhna hota hai, usse pehle production ka scratch close karna chahiye. So from my opinion, maybe I'm wrong, again I'm repeating it, but someone who wants to be a director, he should first learn the production. He should come and learn what is production exactly. Then when he talks to the line producer, when he talks to the production guy, he understands what he is saying. Ye sab mai seekh ke aa chuka hu, aage bolo. Iske aage bolo aur kya hai. So that the idea of taking into production, the director knows very well. It's not only about the lenses, it's not only about the camera, it's about each and everything. What is happening inside a production when the production starts from 9 to 6, what someone said here. So, uske baare mein ek director ka pehle direction course lene se pehle, mere hisab se pehle usko production ka course lena hai. This was, I think, maybe I'm wrong, but he should know what exactly is this. Thank you so much. And, Mr. Amarjit Sawant, P.
He is a director and editor. He is Mr. Amarjit Samant. Thank you, all of you, for being a part of this wonderful evening. A big round of applause for all these lovely people. A big round of applause for Mr. Dilip. And a big round of applause to the team of Flyking Academy. Thank you for joining us, media. Now you're open for one-on-one questions as well. And I would request each one of you to please go ahead and proceed for the lunch and for the snack. Mr. Nashim. मेरे को रियली बताया नहीं थे कल रात को उन्होंने 12 बजे मेरे को मैसेज किए कि ये दिग्गज हस्ती सब आ रहे मेरा यार एंड रियली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुनील जी के साथ 6-7 साल के पहले मैं पिक्चर से भी चल रहा था मैं 2 बार सेट पे आया था एंड आज मेरे इवेंट में आ रहे हैं मैं इतना खुश हूँ थैंक यू सो मच सुनील सर एंड दोनों इतने भी बड़े बड़े हस्ती हैं जो आर्टिस्ट हैं एंड रियली मेरे को बहुत मतलब मैंने जितना सोचा था उससे बहुत मतलब रिजल्ट मिला मैडम भी बीच मैडम आए वो मैडम भी आए तो मेरे फ्लाइकिंग एकेडमी के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है एंड जो तो टेक्नीशियन तो सपोर्ट है एंड जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए इसी इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है ऑल्सो मिस्टर हरी मैदान मैंने 10 साल के पहले ये कंपनी मेरा हुआ था मेरा एक दूसरा कंपनी का नाम है जो लाइव प्रोड्यूसिंग करता है फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट तो ये उनके बदौलत है एक दिन स्टार न्यूज़ का एक मैं जो भी आज लाइव प्रोड्यूसर नहीं था मेरा कंपनी नहीं था तो वहाँ से मेरे को बुलावा आया था एंड वहाँ से इमीडिएटली जब भी मेरे को वहाँ पे चैनल ने बुलाया क्योंकि चैनल से पैसा आता है बोले तेरे को कल 25 लाख देना है एक प्रोजेक्ट के लिए तो किस दाम में देना है मेरे को पता नहीं मेरे अकाउंट में नहीं था एंड मैं एक दिन झूठ बोला था एंड उस दिन मेरे मन से क्यों निकल गया था पता नहीं फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट बोल दिया बोले क्या कंपनी का नाम है ना फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट 25 लाख आएगा ना मेरा छोड़ना नहीं चाहिए उसको कंपनी बोल दो बाद में सीए देखा जाएगा ओके मिस्टी आपसे जानना चाहूंगा आप यहां एज अ गेस्ट मौजूद हैं जीपीएस मौजूद हैं वी हैव सो मेनी इंस्टीट्यूट इन मुंबई इन इंडिया यू नो वेदर इट इज एक्टर प्रिपेयर और विस्लिंग वुड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेकिन हम कहीं पे भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप काम करिए आप सीखिए और जॉब हम आपको दिलवाएंगे ये कितना यूनिक पॉइंट मानती हैं आप फ्लाइकिंग सर ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक पॉइंट है हमारे देश की जो सबसे बड़ी कमजोर पॉइंट है मुझसे दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट तो एक तरह से जो फ्लाइकिंग के जरिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है उसके लिए आई थिंक इट्स आई एम वेरी प्राउड टू सिट हियर टुडे बिकॉज ऑब्वियसली एक तरह से क्योंकि मीडिया में फिल्म आई है हमारी करने का जो देश की सेवा के बारे में है तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ही देश के लिए एक सेवा जैसा ही होता है जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको तो बहुत ही पता करीबन 13 साल पहले एक लड़का मेरे ऑफिस में आया था 13 or 14 ईयर का हमारा 13 साल पहले पतला सा लड़का था और बड़ा मतलब सिंसियर लग रहा था मुझे आया और उसने मुझे बोला कि सर मैं ये मैंने काम किया इतना काम किया है मुझे एक्टिंग में काम करना है तो जिस तरह वो एंटर किया था ना तो लगा था कि यार कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं फर्स्ट लुक और मैंने सिर्फ करीबन 7 या 8 मिनट बताए 10 मिनट बताए और जो कमिटमेंट और इंटेग्रिटी जो 10 मिनट में दिखाई थी वो 13 साल के बाद पड़ रहा है उस पॉइंट से अगर आपसे कहें कैसा है इस कमिटमेंट के लिए एक कैसे का फर्क है दैट्स व्हाई ही इज हियर दैट ही इज दैट्स प्रीटी मच सम इट अप व्हाट आई फील अबाउट इट पुट इट यू से समथिंग I would say that as a filmmaker, I think the biggest responsibility anyone has is to make sure that your production goes smoothly. And that actually is the responsibility of the production. And it's shocking that after all these years of being in the film line and so many academies out there, that there hasn't been one specializing in this particular field. Because as Vijay just said, it is actually the backbone of our filmmaking. पीछे अरे पीछे आ गया अरे यार ये स्टार्ट अरे बात कर रहे थे मिट्टी जी यहाँ पे देखिए किसी चीज़ को भी जला दीजिए जला दीजिए सब कुछ जला दीजिए लोकेश जी आपको चला चाहिए कोई बात नहीं हम चलिए रुकना 2 मिनट एक मिनट साइड आ जाए मतलब क्या ओके सर जल्दी
बातें करते हैं। क्या है क्या है क्या है।